नमस्कार, मेरा नाम है राजकीय वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर आपने रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और लाइक और कमेंट्स करना तो दोस्तों बिल्कुल ना भूलें। हरियाणा विधानसभा चुनाव के मतदान में अब महज चंद दिन बाकी है और अब लगातार तेजी से चुनाव प्रचार आगे की तरफ बढ़ रहा है। तमाम पॉलिटिकल पार्टी से लेकर तमाम उम्मीदवार इसी जुगत में लगे हैं कि किसी तरह से हरियाणा के 2024 के इस विधानसभा चुनाव में जीत हासिल कर चंडीगढ़ तक पहुंचा जाए और सत्ता में आकर सरकार चलाई जाए। अब देखना यह होगा कि क्या बीजेपी जो लगातार तीसरी बार सरकार बनाने का दावा कर रही है वो दावे में दम कितना है और इस दम को हरियाणा की जनता और कितना दमदार बनाएगी। और वहीं 10 साल से सत्ता से दूर बैठी हुई कांग्रेस क्या इस बार यानी कि 2024 के विधानसभा चुनाव में वापसी कर सत्ता तक पहुंचने में कामयाब हो पाएगी, तो ये 8 तारीख को साफ हो जाएगा क्योंकि 8 अक्टूबर है फैसले की तारीख। लेकिन इस सब के बीच हम लगातार एक के बाद एक तमाम विधानसभाओं का समीकरण आपके लिए लेकर आ रहे हैं, उसका सटीक विश्लेषण हम आपको करके दिखा रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि इन विधानसभाओं पर कौन सी पार्टी का कौन उम्मीदवार ज्यादा मजबूत है और जातिगत समीकरण इन विधानसभाओं पर क्या कुछ कह रहे हैं, क्या कुछ असर डाल रहे हैं। और इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे महेंद्रगढ़ विधानसभा की। तो अब सवाल यह है कि कौन बनेगा महेंद्रगढ़ विधानसभा का किंग, यानी कि महेंद्रगढ़ विधानसभा के जो वोटर्स है, जो जनता है, वो किसे विधायकी का ताज पहनाने वाली है और किसे इस बार हार का स्वाद चखना पड़ सकता है। दो जो कैंडिडेट है वो मजबूत यहां पर नजर आ रहे हैं, जिसमें कि बीजेपी और कांग्रेस के दोनों कैंडिडेट है, जिसमें राव दान सिंह है और बीजेपी से कंवर सिंह यादव है। इन दोनों ही कैंडिडेट्स, इन दोनों ही उम्मीदवारों के बीच तगड़ी फाइट नजर आ रही है। अब ये देखना होगा कि बीजेपी ने जहां 2014 में यहां पर जीत हासिल की थी और इससे पहले भी रामविलास शर्मा जो कि पूर्व में मंत्री रह चुके हैं, एक के बाद एक कई चुनाव इस सीट से जीत चुके हैं, अब 2024 में बीजेपी ने उनका टिकट काटकर कंवर सिंह यादव को दे दिया था, तो वहीं राव दान सिंह 2019 में रामविलास शर्मा को हराकर एक बार फिर से विधायक बनने में कामयाब हुए थे। तो अब ऐसे में इन दोनों में कड़ा मुकाबला तो जरूर है और फिलहाल किसका जीत का पलड़ा सबसे भारी है, तो चलिए आपको बताते हैं एक एक करके कि इन दोनों ही उम्मीदवारों की स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेस क्या है, जिसमें रावदान सिंह कांग्रेस से है तो वहीं कंवर सिंह यादव बीजेपी के उम्मीदवार है। कंवर सिंह यादव पहला चुनाव अपना यहां से लड़ रहे हैं, इससे पहले उन्होंने कभी भी कोई विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं रावदान सिंह की। रावदान सिंह महेंद्रगढ़ विधानसभा से 4 बार विधायक रह चुके हैं, यानी कि एक मजबूत पकड़ महेंद्रगढ़ विधानसभा पर रावदान सिंह की है क्योंकि वो 4 बार विधानसभा का चुनाव इस सीट से जीत चुके हैं, जिसमें 2019 में 46,478 वोट लेकर इन्होंने जीत हासिल की थी, तो वहीं 2009 में 2014 का विधानसभा चुनाव हार गए थे लेकिन 2009 में 42,286 वोट लेकर जीतने में कामयाब हुए थे, तो 2005 में 59,128 वोट लेकर रावदान सिंह जीते थे। और उसके बाद अगर बात करें 2000 की तो यहां पर 68,472 वोटों के साथ जो है इन्होंने जीत हासिल की थी, लेकिन अब फिलहाल ईडी के चक्कर में भी ये फंसे हुए हैं। लेकिन यहां एक चीज पर गौर करना होगा कि 2000 में 68,472 वोट हासिल किए थे लेकिन 2005 में ये वोट घटकर 59,128 हुए, यानी कि धीरे धीरे जो ग्राफ है वो कहीं ना कहीं नीचे की तरफ झुकता हुआ नजर आ रहा है। 2009 की बात कर ले तो यहां पर भी ये नंबर कम हुए, 42,286 हो गए। 2014 में तो सीधे सीधे चुनाव ही हार गए थे और उसके बाद 2019 में 2009 के मुकाबले या 2014 के मुकाबले बेहतर परफॉर्म किया, 46,478 वोट हासिल किए थे। लेकिन जब 2000 की बात करें और 2019 की बात करें तो यहां पर ये जो अंतर है वोटों का ये बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, यानी कि 2000 में जब पहली बार विधायक बने थे तब जितने वोट हासिल किए थे, 2019 में जब चौथी बार विधायक बने तो वोट कम मिले थे। तो क्या 2024 में भी ये एक संकट बन सकता है रावदान सिंह के लिए कि क्या जो वोट हासिल करेंगे वो कम हो सकते हैं और इसकी वजह से क्या उन्हें 2019 के मुकाबले 2024 में
हार का मुंह देखना पड़ सकता है, यह अपने आप में एक सवाल है जो कि खैर 8 तारीख को साफ हो जाएगा। लेकिन फिलहाल अगर बात करें विधानसभा महेंद्रगढ़ की, तो वहां पर रावदान सिंह काफी मजबूत नजर आ रहे हैं और जिस तरह से हरियाणा में फिलहाल की परिस्थिति ऐसी लग रही है कि कांग्रेस सरकार बनाने की दिशा में जा रही है, तो उसका भी एक फायदा इनको मिल सकता है। इसके अलावा जो एक दिक्कत फंसी हुई है वो है ईडी के चक्कर में फंसे हुए, और अभी हाल ही में इनकी करीब 40 से 50 करोड़ के आसपास की प्रॉपर्टी को भी ईडी ने अटैच किया, और इससे पहले चुनाव की घोषणा से पहले छापेमारी भी रावदान सिंह पर हुई थी। अब ये नुकसान इसका रावदान सिंह को यहां पर होगा या फिर एक सिंपैथी वोट जो है उसमें ये कन्वर्ट होगा, ये तो खैर 5 तारीख को जब जनता वोट करने जाएगी तब कहीं ना कहीं तस्वीर साफ हो जाएगी। अब बात करते हैं इनके मुकाबले में बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं कंवर सिंह यादव की। कंवर सिंह यादव को टिकट दिया बीजेपी ने, और रामविलास शर्मा जो कि पूर्व मंत्री रहे हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे थे और लगातार एक के बाद एक चुनाव जीतते आ रहे थे, और कहीं ना कहीं आप इस बात को समझिए कि अहीरवाल में बीजेपी को किसी ने जिंदा किया और जिंदा रखा तो वो थे रामविलास शर्मा। लेकिन रामविलास शर्मा का टिकट बीजेपी ने ऐन वक्त पर काट दिया, जबकि टिकट की घोषणा से एक दिन पहले वो अपना नॉमिनेशन भी फाइल कर आए थे और काफी नाराज भी थे क्योंकि उनकी टिकट की अनाउंसमेंट में डिले किया जा रहा था, और जिस बात का उन्हें डर था वो हुआ भी, बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया और कंवर सिंह यादव को चुनाव के मैदान में उतार दिया। कंवर सिंह यादव महेंद्रगढ़ जिले से बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं, यानी कि जिला अध्यक्ष वो रह चुके हैं। इसके अलावा मोदी सरकार में मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव के करीबी बताए जाते हैं, पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। रामविलास शर्मा की नाराजगी इनके लिए एक बड़ा संकट यहां पर बन सकती है, क्योंकि शर्मा जी टिकट कटने के बाद से ही खासे नाराज पार्टी से और कंवर सिंह यादव से चल रहे हैं। और आपको बता दें कि रामविलास शर्मा महेंद्रगढ़ में कम नजर आ रहे हैं, जबकि अटेली में उन्होंने धुआंधार प्रचार आरती यादव के लिए कर रहे हैं, उनके चुनाव प्रचार में पूरी मदद वो करने में जुटे हुए हैं, लेकिन यहां पर वो कंवर सिंह यादव के लिए चुनाव प्रचार में नहीं जा रहे। तो ये एक नाराजगी, ये परेशानी कहीं ना कहीं कंवर सिंह यादव के लिए है जो कि इनकी मुश्किलें बढ़ा सकती है, जो कि एक बड़ा संकट भी यहां पर है। अब बात करते हैं कुल वोट कितनी है, और अगर जातियों में इसको बांट दें तो किस तरह की तस्वीर जो है महेंद्रगढ़ विधानसभा में बनेगी, तो आपको बता दें महेंद्रगढ़ विधानसभा में 203,104 कुल वोट है, और इसे अगर जातिगत समीकरण के लिहाज से थोड़ा समझे तो कुछ कुछ तस्वीर इस तरह से बनेगी, और ये जो वोट है 203,104 जातियों के हिसाब से कुछ इस तरह से डिवाइड हो जाएगा, और यहां से समझना आसान होगा कि किस जाति का वोट सबसे ज्यादा है, कौन सी जाति के समुदाय के जो लोग हैं वो सबसे ज्यादा यहां पर दबदबा रखते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें अहीर यानी कि यादव वोट जो है वो करीब 83,444 है, तो वहीं ब्राह्मणों की बात की जाए तो ये नंबर आता है 34,244। इसके बाद राजपूतों की संख्या यहां पर है 19,122। दलित वोट की बात करें तो 12,742। सैनी समाज से यहां पर जो वोट है वो है 7,780। तो अन्य बाकी जो दूसरी जातियां हैं वो आ जाती हैं 45,772। अब चूंकि दोनों ही जो उम्मीदवार है बीजेपी और कांग्रेस के, यादव यानी कि अहीर बिरादरी से आते हैं, तो ऐसे में यहां पर ये जो वोट बैंक है ये दोनों में बट जाएगा। अब सबसे बड़ी बात है कि जो ब्राह्मण वोटर है, क्योंकि रामविलास शर्मा ब्राह्मण थे और ऐसे में कहीं ना कहीं ये जो एक नंबर था बड़ा नंबर वो रामविलास शर्मा की तरफ शिफ्ट होता था, और ये अच्छे से तमाम लोग जानते हैं कि अहीर और ब्राह्मण जो वोटर्स हैं वो पूरी तरह से बटे हुए हैं। लेकिन अब चूंकि दोनों ही यादव बिरादरी से उम्मीदवार है तो ऐसे में ब्राह्मण किसके साथ जाएंगे ये देखना होगा। यहां पर बड़ा चांसेस है कि रामविलास शर्मा की जो नाराजगी है उसकी वजह से उस नाराजगी को दिखाते हुए ये नंबर जो है रावदान सिंह की तरफ शिफ्ट हो जाए, और अगर ऐसा हुआ तो आप समझिए कि कंवर सिंह यादव के लिए मुश्किलें और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो वही बात करें राजपूत और दलित, दलितों को लेकर भी ये बड़ा साफ है कि कांग्रेस के नजदीक कहीं ना कहीं वो दिख रहे हैं, लेकिन इसके अलावा INLD, BSP, JJP, ASP ये कितना वोट काटने में कामयाब होते हैं उस पर भी बीजेपी और बीजेपी के उम्मीदवार की नजरें रहेंगी। इसके अलावा आम आदमी पार्टी भी चुनाव के मैदान में है, वो भी कितना वोट काटती है
तो ये जो वोट कटेंगे उसका फायदा कंवर सिंह यादव को मिल सकता है। लेकिन फिलहाल की अगर स्थिति देखें, फिलहाल के हालात देखें, फिलहाल के समीकरणों को समझने की कोशिश करें, तो राव दान सिंह यहां पर पहले नंबर पर नजर आ रहे हैं और दूसरे नंबर पर नजर आ रहे हैं बीजेपी के कंवर सिंह यादव। बाकी आपको क्या लगता है कौन बनेगा महेंद्रगढ़ विधानसभा का किंग, हमें कॉमेंट्स कर जरूर बताएं। और रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।